हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे सोनू सिंह यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त सोनू सिंह। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सबको मैं बता दूं कि आप लोगों का एक्चुअली मैं एक कॉमेंट पढ़ रहा था तो देखा कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि जो भी जनरल फिटर होते हैं, मैकेनिकल फिटर होते हैं या फिर मैकेनिकल टेक्नीशियन होते हैं, तो वो जब इंटरव्यू के दौरान जाते हैं तो उनसे क्या कुछ सवाल पूछा जाता है, तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप देख ही रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा ताकि कोई भी टॉपिक छूट न जाए। दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पता है इससे ना हमें एक मोटिवेशन मिलता है और किसी भी इंसान को लगातार काम करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप नहीं भी किए हैं तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आगे अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरव्यू रिलेटेड, इंटरव्यू से क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं मैकेनिकल फिटर, जनरल फिटर या फिर मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए, तो उसी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो जब भी आप क्लाइंट के पास जाते हैं, तो क्लाइंट का सबसे पहला जो सवाल होता है वो अक्सर यही होता है कि क्या आपने पहले कभी काम किया है। तो यहाँ पे आपको तुरंत जवाब देना है, जी सर मैंने काम किया है। इसके बाद दूसरा सवाल उसका होता है कि आपने क्या काम किया है। तो जो लोग थोड़ा बहुत काम किए हैं या फिर पहले काम किए हैं वो तो चलिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बता देते हैं, लेकिन जो फ्रेशर होते हैं, मैं आपको रियली एक सच्चाई बता रहा हूँ, जब भी इंटरव्यू होता है ना तो लगभग 50% लोग आज के डेट में फ्रेशर होते हैं, वो पहली बार जा रहे होते हैं, यानी उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया होता है और वो जाके इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो वो क्या होता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते, यानी कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा बहुत लो हो जाता है और वो थोड़ा कन्फ्यूज़न टाइप का उनके पास हो जाता है और वो आगे जवाब नहीं दे पाते। तो क्लाइंट समझ जाता है कि आपने कभी काम नहीं किया, तो आपको यहाँ पर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है और किसी भी 5-6 काम का नाम बताना है। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, आपको बताना है कि सर मैंने हॉट बोल्टिंग किया है, ब्लाइंडिंग एंड डीब्लाइंडिंग किया है, स्ट्रेनर क्लीनिंग किया है, वाल्व रिमूवल और उसका इंस्टॉलेशन किया है, हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड काम किया है, कॉलम में भी काम किया है, आगे आपको बता देना है हाइड्रो टेस्ट किया है। अगर आप इतना सारा कुछ बताते हैं तो काफ़ी है मेरे हिसाब से। हाँ, आगे क्लाइंट हो सकता है कि आपसे इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछ सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी जरूर ले लीजिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड से सारी रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर बारी बारी से उनके बारे में थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा सा जानकारी ले लें, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर ये सारा चीज़ देखने के बाद भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो बिल्कुल आप बेशक हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो मैं ज़रूर जवाब देने का कोशिश करूँगा। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सवाल ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में हो, बट घुमा फिरा कर यही सारे सवाल होते हैं। तो चलिए अगला सवाल ये हो सकता है कि पीपीई क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पीपीई क्या है। तो इसका जवाब सिंपल आप दे सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप पीपीई का मतलब बता दीजिए, जैसे कि सर पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो हो सकता है वो आगे पूछ भी ले कि क्या क्या होता है, और नहीं भी पूछे तो आपको बता देना चाहिए कि सर कवरऑल, जिसे हम लोग इंडिया में बॉयलर सूट भी कहते हैं, हेलमेट, सेफ्टी गोगल्स, हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज, नोज मास्क, ये सारे जो है वो पीपीज हैं जिसका हम यूज़ करते हैं प्लांट में जाने से पहले। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो पीपीज क्या होती है, कैसे यूज़ किया जाता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ये वीडियोस अवेलेबल है। अगला सवाल कुछ इस प्रकार हो सकता है कि क्लाइंट आपको एक बुकलेट दिखाए, उसके पास कुछ फिगर्स होती हैं, फोटोज होती हैं, वो आपको दिखाए और पूछे कि इसे क्या कहते हैं। जैसे हो सकता है वो आपको किसी भी स्पैनर की फोटो दिखा दे और पूछ दे कि इस स्पैनर का क्या नाम है, तो इसके लिए आपको सारे स्पैनर का नाम याद होना चाहिए। और जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है वो आपको ओपन स्पैनर दिखा दे, या रिंग स्पैनर दिखा दे, या फिर स्पर्ड रिंच दिखा दे जिसे जुम्मा भी कहते हैं, उसके अलावा ऑफसेट स्पैनर होता है, इसके अलावा कॉम्बिनेशन होता है, इसके अलावा एडजस्टेबल स्पैनर होता है, इसके अलावा पाइप रिंच होता है,
हैमरिंग स्पैनर होता है, तो इस तरह से आपको वो फिगर मेरे हिसाब से एक बार याद कर लेना चाहिए ताकि जब भी आपसे क्लाइंट क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से बता सकें। मैकेनिकल फिटर के लिए जो जो जरूरी टूल्स होते हैं उससे रिलेटेड भी वीडियो है इस चैनल पर, आप जाके प्लेलिस्ट में बिल्कुल देखिएगा। नहीं तो ऐसा करते हैं कि हम जो जो वीडियो पॉसिबल है उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बारी बारी से टाइम निकाल कर देख लीजिएगा ताकि आगे कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन ना रहे जब भी आप इंटरव्यू में जाएं। क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो क्लाइंट जो भी आपसे सवाल पूछे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस के आप आंसर दे सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा आपसे वाल्व्स के फिगर दिखाकर आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सा वाल्व है, जैसे कि बहुत सारे वाल्व होते हैं जिनका नाम मैं बता दे रहा हूँ और फिगर भी साथ में मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ, आप ये हो सके तो एक बार याद कर लें और थोड़ा गहराई से पढ़ लें, थोड़ा समझ लें फिगर को। मेनली आप फिगर याद कर लें इतना काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से। जैसे गेट वाल्व हो गया, ग्लोब वाल्व हो गया, बॉल वाल्व हो गया, इसके अलावा कंट्रोल वाल्व होता है, इसके अलावा पीएसबी हो गया, पीएसबी जिसको प्रेशर सेफ्टी वाल्व कहते हैं, इसके अलावा एनआरवी हो गया जिसे नॉन रिटर्न वाल्व कहते हैं, इसके अलावा बटरफ्लाई वाल्व हो गया। तो इन सब का नाम याद रखना चाहिए आपको, साथ साथ आपको फिगर भी ध्यान में होना चाहिए कौन सा वाल्व कैसा दिखता है और उसका नाम क्या है। इसके अलावा एक स्टीम ट्रैप होता है, उसका भी फिगर आप याद कर ले तो बेहतर रहेगा। आप देख लें कि स्टीम ट्रैप कैसा होता है, मैं फोटो तो वैसे लगा ही दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा कि इसको स्टीम ट्रैप कहते हैं। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहूँ तो एक बार क्या हुआ था कि क्लाइंट मेरे से स्टीम ट्रैप दिखाया मुझे, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था तो क्लाइंट ने मुझे स्टीम ट्रैप दिखाया और पूछा कि इसको क्या कहते हैं, तो मुझे पता था, मैंने तो बता दिया। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जितने सारे लोग आ रहे थे इंटरव्यू देने के लिए उसमें ऑलमोस्ट 70% लोगों को रिजेक्ट किया था उस इंटरव्यूअर ने केवल स्टीम ट्रैप के चलते, क्योंकि वो फिगर दिखा रहा था, बहुत सारे लोग बता नहीं पा रहे थे कि इसको स्टीम ट्रैप कहते हैं। तो इसका भी फिगर आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा हो सकता है टेफ्लॉन टेप वगैरह आपको दिखा दें और पूछे कि इसको क्या कहते हैं, तो टेफ्लॉन टेप का भी फोटो आप देख लें और आप याद कर लें कि हाँ इसे टेफ्लॉन टेप कहते हैं। टेफ्लॉन टेप का यूज़ ज़्यादातर जब फिटिंग्स को एक दूसरे से अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उस दौरान टेफ्लॉन टेप को लगाया जाता है थ्रेड के ऊपर ताकि वहाँ लीक की जो भी पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाए, लीक ना रहे। इसके अलावा आपसे गैस्केट के बारे में भी पूछ सकता है क्लाइंट कभी कभी कि गैस्केट क्या होता है या फिर कौन कौन सा गैस्केट होता है। तो चलिए सिंपल में मैं बता दूं कि गैस्केट क्या होता है। गैस्केट एक मैकेनिकल सीलिंग एलिमेंट है जिसका यूज दो फ्लैंज के बीच में लीक को बंद करने के लिए किया जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, गैस्केट एक मैकेनिकल सीलिंग एलिमेंट है जिसका यूज दो फ्लैंज के बीच में लीक को बंद करने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ गैस्केट के बारे में या फिर और डिटेल में अगर आपको जानना है गैस्केट के बारे में तो गैस्केट के ऊपर भी वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लें या फिर हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं तो प्लेलिस्ट में आपको गैस्केट एंड इट्स टाइप्स आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहां से आपका और भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैकेनिकल फिटर और टेक्नीशियन के लिए इतना सवाल काफ़ी होता है मेरे हिसाब से, और अगर कुछ आपके मन में डाउट हो या कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ताकि आने वाली जो भी और नई वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।